हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुमार क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ लर्न वेल मैथ्स का जो एक्सरसाइज 14.2 है उसको आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपनी क्लासमेट्स के साथ में वीडियो जरूर शेयर करें। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इससे पहले हम आपके इस बुक के जितनी भी चैप्टर्स की जो भी एक्सरसाइज हैं सबका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। नीचे और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट में आपकी सारी एक्सरसाइज की वीडियोज हैं। और ये वाली जो एक्सरसाइज है इसका भी वीडियोज में सेकेंड टाइम डाल रहा हूँ, बिकॉज इसमें कुछ मिस्टेक्स थी बच्चों की, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उनको क्लेरिफाई करके ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ में। क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क फाइंड करना है, जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 96 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क ये है हमारा। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड। तो यहाँ से हम साइड फाइंड कर लेंगे 4 से डिवाइड करके, ठीक है। 24 हमारी साइड आ गई, मतलब स्क्वायर की साइड 24 आ गई। अब हमें स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना है। सो स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो 24 इंटू 24 यानी कि 576 मीटर स्क्वायर जो है स्क्वायर का एरिया आ गया है। नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें लेंथ और ब्रिथ हमें गिवन है। लेंथ 120 है, ब्रिथ है आपके 30। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वन में एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हम फाइंड करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो आपका ठीक है 3600 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, इस लैंड की कोस्ट फाइंड करनी है। कोस्ट का जो रेट है वो 10,000 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो इस एरिया को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो लैंड का कोस्ट है वो आ जाएगा 3,60,00,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें लेंथ और ब्रिथ दे रखी है रेक्टेंगुलर एक वायर की, मतलब रेक्टेंगुलर ठीक है वायर से बना हुआ एक रेक्टेंगल है उसकी, और हमें सिर्फ वायर की लेंथ निकालनी है, मतलब सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर निकालना है हमें। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया हमने, ठीक है 124 सेंटीमीटर जो है इसका पेरीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस वायर को रिबेंड करना है स्क्वायर के शेप में, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायर के शेप में रिबेंड करेंगे तो इसका जो पेरीमीटर है वो यही रहेगा, ठीक है। तो साइड फाइंड कर सकते हैं हम, 4 इंटू साइड इक्वल टू 124, साइड इक्वल टू आ जाएगा 124 अपॉन 4 यानी कि 31 स्क्वायर की साइड आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट टाइम जो है रिवेंड कर रहे हैं सर्कुलर शेप में, मतलब सर्कल की शेप में रिवेंड करेंगे तो सर्कल का पैरामीटर आपका 124 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 124, ठीक है। यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 2 पाई को नीचे भेज, ठीक है। तो 2 से कट गया ये आपका 62 टाइम्स, ठीक है, और पाई के वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका रेडियस है ठीक है 217/11 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसमें क्या है कि ये आपका एक बॉल है, इसमें बीच में एक गेट है मतलब डोर है, ठीक है। हमें इस बॉल को बॉल का एरिया फाइंड करना है, तो बॉल के एरिया में से इस डोर के एरिया माइनस कर देंगे, मतलब एरिया ऑफ बॉल इक्वल टू क्या होगा, देखो पूरे इसमें से मतलब ये इस एरिया में से डोर को माइनस कर देंगे तो आपका बॉल का एरिया आ जाएगा 14.2। अब हमें इस बॉल में वाइट वॉशिंग करानी है, तो उसका कॉस्ट हमें निकालना है 20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो 14.2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो टोटल कॉस्ट है 284 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जिसमें हमें पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, हमें इन पैरेललोग्राम्स का एरिया जो है फाइंड करना है। पैरेललोग्राम की बेस है 8 और हाइट है 6, तो पैरेललोग्राम के एरिया जो फॉर्मूला होता है बी इंटू एच होता है, बेस इंटू हाइट होता है, तो 8 × 6 = 42 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट का एरिया आ जाएगा। ऐसे सेकेंड में बेस हमें गिवन है 2 और हाइट गिवन है 3.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में हमें बेस गिवन है 6.5, हाइट है 4.8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा 31.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का बेस और ट्राइंगल की हाइट दे रखी है। ट्राइंगल का एरिया जो होता है 1/2 बी इंटू एच होता है, मतलब पैरेललोग्राम का हाफ, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा आपका 9, ठीक है। नेक्स्ट है वो भी बेस और हाइट दे रखी है, यहाँ पर भी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना है, तो इसका भी 9.6 आ जाएगा इजीली,
ठीक है, ऐसे थर्ड का आ जाएगा 15 और फोर्थ का आ जाएगा 6, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ब्रोमेटिव फार्मूला तो लगाया नहीं मैंने, ब्रोमेटिव तो मतलब 15 का हाफ कर देना, 7.5 आ जाएगा इसका। और यहाँ पर भी ब्रोमेटिव नहीं लगाया मैंने, ठीक है, तो 3 2 6 है और 6 का हाफ कर देंगे मतलब इसका आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 का हाफ कर दोगे तो 3 मीटर स्क्वायर, 15 का हाफ कर दोगे तो 7.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हमें कुछ फिक्चर्स दे रखी है, हमें उनका एरिया फाइंड करना है। जैसे ये है, इसके एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये तो स्क्वायर है, एक मिनट, ठीक है, ये वाला तो आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया आपको हो जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एफ, एक मिनट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया आई थिंक। ठीक है, स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया आपका होता है साइड इंटू साइड, और ये है आपका ट्राइंगल ब्रोमेटिव इंटू एच, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के एरिया तो आपका सही लिखा है मैंने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइड इन टू साइड की जगह मैंने 4 इंटू साइड लिख दिया है, तो इसको साइड इन टू साइड कर लेना, ठीक है, 4 को हटा देना, ठीक है। साइड की है इसकी 7 7 7 49, ठीक है, यहाँ पर 7 कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 49, इसको हटा के 49 कर लेना, एक मिनट मैं कर देता हूँ, 49 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये तो आपका रहेगा ही, ठीक है, 17.5, इसमें 49 ऐड कर लेंगे, तो 66.5, ठीक है, इसकी इसको हटा के 66.5 कर लेना, 66.5, तो ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। आगे जो पिक्चर दे रखी है वो है आपकी सेकंड वाली, ये इसमें एरिया फाइंड करना है। ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रिथ, ये पैरोग्राम है बेस इंटू हाइट, ये भी पैरोग्राम है बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रिथ है 1 इंटू 3, इसकी भी 3 इंटू 2 और इसकी 3 इंटू 1, इसका टोटल एरिया आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एरिया ऑफ फिगर निकालना है। इसमें ये वाला तो आपका है, जो भी है ये आएगा आपका समथिंग, और ये है रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसका एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रिथ, और ये जो है ना दोनों ट्राइंगल है, ठीक है, इसका बेस 20 है और हाइट 25 है, ठीक है, तो 20 और 25 हाइट है, ये पुट कर दिया, इसका 30 बेस है और हाइट 25 है, 30 बेस हाइट 25 है, और ये आपका लेंथ इंटू ब्रिथ है, तो उसे कट गया 15, 15 इंटू 25 किए तो आ गया आपका ये, ऐसे 2 से कट गया 10, 10 इंटू ये किया तो ये आ गया, और इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सबको ऐड कर लिया, 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। नेक्स्ट है आपका इसी का ही फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी इस फिगर का एरिया निकालना है। तो हमने ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर, ठीक है, इनका एरिया निकालना है तीनों का, तो 8 इंटू 3 रेक्टेंगल का एरिया, फिर 8 इंटू 3 अगेन नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया, और ये जो बीच में स्क्वायर है इसका 3 इंटू 3, ठीक है, इसका पार्टीशन करना है। कैसे कर सकते हैं, ये 9 हो गया, ये 24 24, ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हमें ट्राइंगल दे रखा है। सबसे पहले हमें इस ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो 1/2b × h आपका फॉर्मूला होता है। बेस लेंगे 12, हाइट लेंगे 5, ठीक है, 12 5 60 60 का हाफ 30 30 आ गया आपका एरिया। अब हमें एक और चीज़ इसमें पूछी है, वो है AD, ये वाली साइड पूछी है AD, ठीक है, तो ये हाइट है, हम बेस 13 ले लेंगे अब, ठीक है, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया, बेस इंटू हाइट, बेस आपका 13, हाइट आपकी AD, ठीक है, 2 आपका ट्रांसफ़र हो गया इधर 30 की तरफ, मतलब 60 हो जाएगा, और 13 को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, तो AD आ गया आपका 60/30। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है आपका, जिसमें हाइट ऑफ पैरोग्राम हमें गिवन है, एरिया भी हमें गिवन है, और हमें निकालना है इसका बेस, ठीक है, तो फॉर्मूला है पैरोग्राम का बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया,
ठीक है, यहाँ से बेस निकाल लेंगे हाइट को ट्रांसफर करके, तो बेस आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है मीटर में आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 10 में एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें फाइंड करना है। तो देखो इस बेस को लोगे तो ये हाइट लोगे, तो ले लो 12 × 8 = 96 आपका एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें QN फाइंड करना है और बेस आपका 3 है ये वाला PN, तो 3 × QN = 96, QN की वैल्यू निकालेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 32 QN। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक कितनी टाइल नीडेड होगी। ठीक है, तो ये आपका एरिया है, इसमें ये आपके टाइल का मेजरमेंट है, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ठीक है, ये 0.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 बढ़ा लेंगे, 5 से कट गया 100 टाइम, ठीक है, और 4 से कट गया 125 टाइम, 25 × 18 किया तो आपका आंसर आ गया 450 टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसमें एरिया ऑफ फील्ड हमें निकालना है, तो 28 × 6 आ जाएगा 168, और हमें पूछा गया है कि जो ट्रैक्टर है ना, ठीक है, ट्रैक्टर जो है 2 लीटर डीजल को कंज्यूम करता है 12 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो पूरे खेत को जोतने में ट्रैक्टर कितना लीटर डीजल कंज्यूम करेगा, तो हमारा एरिया आ गया 168 मीटर स्क्वायर, जबकि 12 मीटर स्क्वायर में 2 लीटर है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, तो आ जाएगा नीडेड डीजल आ जाएगा आपका 14 लीटर। ठीक है, तो ये आपको 14 लीटर में आपका पूरा खेत जो है कम्प्लीटली प्लग्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, जिसमें एरिया ऑफ पैलोग्राम हमें फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन को समझ लो आप थोड़ा, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि एक फ्लोर है हॉल का जिसकी शेप पैलोग्राम की है और इसको रीडन करना है, तो रीडन करने का जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, और इसका बेस जो है 45 दे रखा है, हाइट इसकी दे नहीं रखी, और टोटल कॉस्ट भी इसका गिवन है, और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया होता है बेस इनटू हाइट, बेस आपका गिवन है 45, हाइट आपका गिवन नहीं है, तो एच ही ले लेंगे, 45 H आपका एरिया आ गया। अब इसी एरिया का कॉस्ट निकालेंगे, 2 रुपीज़ इसकी रेट है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा कॉस्ट 90 H। ठीक है, और कॉस्ट ऑलरेडी दे रखा है ये, ठीक है, तो H की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 90 से डिवाइड करके, 90 को डिवाइड कर दिया तो हाइट आ गया आपकी 25, ठीक है ना, मीटर। तो बच्चों आपके 14.2 कंप्लीट है, और बाकी की सारी एक्सरसाइज की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।